ऑल राइट गाइस, तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो काफ़ी पॉपुलर ब्लूटूथ स्पीकर्स का। तो पहला स्पीकर है बोट रग्बी प्लस एंड सेकेंड स्पीकर है MI 16W पोर्टेबल स्पीकर। तो इन दोनों स्पीकर्स की हमने अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, साथ ही टीयर डाउन भी किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी एक ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पे लेने की सोच रहे हैं एंड आप इन दो स्पीकर्स में कन्फ्यूज्ड हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले दोनों की प्राइसिंग हम देख लेते हैं। तो बोट को सिर्फ आप 2000 रुपये के अंदर परचेस कर सकते हैं एंड MI को 2500 रुपये के अंदर परचेस कर सकते हैं। तो प्राइस में यहाँ पे 500 रुपये का डिफरेंस है बट दोनों का पावर आउटपुट यहाँ पे सेम है। तो सबसे पहले इन दोनों का फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोट रग्बी प्लस को। तो स्पीकर यहाँ पे टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है। फ्रंट एंड बैक में यहाँ पे मेटल ग्रिल दी गई है एंड मेटल ग्रिल यहाँ पे इसकी काफी ह्यूज है। तो अगर आपके हाथों से गिरता है तो डेफिनेटली इसमें डेंट जरूर आएगा। ओवरऑल बॉडी के ऊपर यहाँ पे सिलिकॉन मटेरियल दिया गया है जिसको आप रिमूव भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो बोट की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी एवरेज है। MI को अगर हम देखते हैं तो MI की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लगती है। हाथ में पकड़ते ही लगता है कि हाँ कुछ यहाँ पे पकड़ा हुआ है। ये भी टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड ओवरऑल बॉडी के ऊपर यहाँ पे फैब्रिक यूज़ किया गया है जो इसको काफ़ी प्रीमियम फील देता है। टॉप पार्ट में इसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक स्ट्रैप यहाँ पे दिया गया है इसको कैरी करने के लिए। दोनों का आयो अगर हम देखते हैं दोनों में टाइप सी पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए, ऑक्स पोर्ट दिया गया है। बोट में यहाँ पे TF पोर्ट का सपोर्ट भी दिया गया है। तो माइक्रो SD कार्ड से भी आप यहाँ पे सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। दोनों की लेंथ एंड विड्थ यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। दोनों का वेट अगर हम देखते हैं तो बोट रग्बी का वेट यहाँ पे 392 ग्राम है एंड MI का वेट यहाँ पे 570 ग्राम है। दोनों के अगर पावर आउटपुट की यहाँ पे बात की जाए तो दोनों ही स्पीकर्स यहाँ पे 16 वॉट के आउटपुट के साथ आते हैं। दोनों में ही यहाँ पे 88 वॉट के ड्यूअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं एंड बैक साइड पे दोनों का बेस रेडिएटर दिया गया है। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो बोट यहाँ पे 2000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है एंड MI यहाँ पे 2600 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। बोट में कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको 7 आवर तक प्ले कर सकते हैं मॉडरेट वॉल्यूम पर, बट अगर आप इसे 70-80% वॉल्यूम में प्ले करते हैं तो आपको तकरीबन यहाँ पे 4-5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है। MI में कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको 13 आवर तक प्ले कर सकते हैं। तो 13 आवर का प्ले टाइम आपको यहाँ पे अचीव करने के लिए इसको नॉर्मल मोड पे प्ले करना होगा एंड साउंड को भी आपको यहाँ पे 50% पे रखना होगा। बट अगर आप इसे DBS मोड पे रखते हैं एंड इसकी वॉल्यूम को 70-80% पे भी रखते हैं तो आपको यहाँ पे तकरीबन 5-6 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है। वाटरप्रूफिंग एंड डस्टप्रूफिंग की बात की जाए तो दोनों ही स्पीकर्स यहाँ पे IPX7 की रेटिंग के साथ आते हैं। तो दोनों ही स्पीकर्स को अगर आप 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रखते हैं तो दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इनको शावर, रेन एंड इवन बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। MI का यहाँ पे एक प्लस पॉइंट भी है, ये TWS के सपोर्ट के साथ आता है। तो आप दो स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। बोट में TWS का सपोर्ट नहीं दिया गया है। दोनों में इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोनों की माइक क्वालिटी भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हो आप बोट रग्बी प्लस के माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी लग रही है। एंड अब जो आप साउंड सुन रहे हो आप MI के माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों में से किसकी माइक्रोफोन क्वालिटी बेहतर लगी। एंड कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही स्पीकर्स यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ आते हैं। तो फटाफट से इन दोनों का साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं। तो साउंड टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मैं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करें। Comes out, comes around. Is it so dumb or reckless? You already.
तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी इन दोनों के साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले दोनों के बेस की हम बात कर लेते हैं। तो बेस के मामले पे दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर दोनों का प्राइस पॉइंट देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों का बेस आउटपुट मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, बट फिर भी अगर इन दोनों में से विनर चुनूँ तो MI यहाँ पे विनर है। MI का बेस यहाँ पे नॉर्मल मोड पर भी काफ़ी अच्छा आता है एंड अगर आप इसे DBS मोड पर करते हैं तो उसका बेस यहाँ पे और भी इन्हेंस हो जाता है। बोट का बेस आउटपुट इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, बट MI यहाँ पे इसको काफ़ी आराम से बीट कर देगा। अब अगर हाई फ्रिक्वेंसी एंड ट्रिबल्स की बात की जाए तो ट्रिबल्स में दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। MI यहाँ पे नॉर्मल मोड पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है हाई फ्रिक्वेंसी पे, बट अगर आप इसे DBS मोड पे करते हैं तो बेस यहाँ पे ज़्यादा बूस्ट हो जाता है एंड हाई फ्रिक्वेंसी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रिबल लवर हैं तो आप इसको नॉर्मल मोड पे ही प्ले करें। वोकल क्लैरिटी में यहाँ पे मुझे दोनों काफ़ी पसंद आया। मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि बोट में वोकल्स इतने क्लियर नहीं हैं, MI में ज़्यादा क्लियर हैं, दोनों नेक टू नेक हैं। अगर बोट यहाँ पे 19 है तो MI यहाँ पे 20 है। अब बात कर लेते हैं दोनों के डिस्टॉर्शन की। तो दोनों ही स्पीकर्स में मैंने 100% वॉल्यूम में सॉन्ग्स को प्ले किया है। बोट को अगर आप 80% से ऊपर प्ले करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिस्टॉर्शन फील होगा। MI को यहाँ पे मैंने 100% वॉल्यूम में भी प्ले किया है एंड मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे कुछ एका सॉन्ग ऐसे होते हैं जिसमें आपको अगर आप इसे 100% वॉल्यूम में प्ले करते हैं MI पे तो आपको यहाँ पे मामूली सा डिस्टॉर्शन फील होगा। लाउडनेस की बात करी जाए तो दोनों ही स्पीकर्स यहाँ पे काफ़ी लाउड हैं। दोनों यहाँ पे 16 वॉट के आउटपुट के साथ आते हैं। दोनों ही स्पीकर्स यहाँ पे मीडियम साइज़ के रूम के लिए इनफ हैं। तो अब इन द लास्ट बात है कि आपको इनमें से कौन सा स्पीकर यहाँ पे परचेज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपका बजट यहाँ पे टाइट है, आप सिर्फ 2000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं एक स्पीकर पे एंड आपको एक लाउड स्पीकर चाहिए, ऐसा स्पीकर चाहिए इसका माइक भी काफी अच्छा हो ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए उसे यूज कर पाए, बेस आउटपुट इसका काफी अच्छा हो। बट अगर आपका बजट यहाँ पे 2500 रुपये है एंड आप एक ऐसा स्पीकर यहाँ पे लेना चाहते हैं जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी हो, साउंड एंड बेस भी इसका काफी अच्छा हो, जो TWS के सपोर्ट के साथ भी आए, तो डेफिनेटली MI यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एट द एंड दोनों ही स्पीकर्स यहाँ पे अपने अपने प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं। अब ये आपको देखना है कि आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है एंड आपका बजट कितना है। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आपको ये स्पीकर्स कैसे लगे एंड आप इन दो स्पीकर्स में से कौन सा स्पीकर यहाँ पे परचेज करना पसंद करेंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा नाम है रितिक, मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।